हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से हम लोग कोई भी डेटाबेस का मतलब एसक्यूएल में कोई भी डेटाबेस का बैकअप कैसे ले सकते हैं एसक्यूएल मैनेजमेंट स्टूडियो से। आप लोग तो जानते हैं कि जो हम लोग एसक्यूएल का क्वेरी लिखते हैं तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एसक्यूएल मैनेजमेंट स्टूडियो हम लोग इंस्टॉल करते हैं। तो वहाँ पे हम लोग कोई भी कमांड परफॉर्म करते हैं तो उसकी हेल्प से हम लोग कोई भी डेटाबेस का बैकअप ले सकते हैं। तो आज हम लोग पूरा सीखेंगे कि किस तरीके से हम लोग एसक्यूएल में डेटाबेस का बैकअप कैसे लेते हैं, पूरा स्टेप बाय स्टेप आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको इसी तरीके से आईटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग बैकअप ले सकते हैं कोई भी डेटाबेस का। तो ये देखिए हम लोग आ गए हैं माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो पे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे न्यू क्वेरी करना है, या फिर आप लोग नहीं भी करेंगे फिर भी चलेगा, हमें क्या मतलब है डेटाबेस से। तो एक काम करेंगे हम लोग, देखिए डेटाबेस जो दिख रहा है आपको यहाँ पे, एक काम करता हूँ मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए जो हमारा डेटाबेस दिख रहा है उस पर आपको क्लिक करना है, राइट क्लिक, या फिर इसको प्लस वाले आइकन को क्लिक करना है। फिर हमें क्या करना है, जो डेमो वाला है वो डेटाबेस को हमें बैकअप लेना है। तो एक काम करेंगे इस पर क्लिक करके राइट क्लिक, इस पर आपको क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है। ओके, राइट क्लिक करके यहाँ पे टास्क का ऑप्शन दिख रहा है, टास्क वाले पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे देखिए बैकअप एंड रीस्टोर नीचे है, ऊपर देखिए बैकअप, तो बैकअप पर क्लिक करना है इस तरीके से। तो ये होने के बाद क्या करना है, बैकअप टाइप फुल रखना है, डेटाबेस नाम क्या है हमारा, डेमो का लेने का है। ओके, यहाँ पे बैकअप कंपोनेंट डेटाबेस, डेटाबेस हमें लेना रहेगा। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, बैकअप कहाँ पे लेना है। ओके, यहाँ पे बैकअप अप टू, यहाँ पे देखिए डिस्क में ही लेने का है आपको, तो अच्छा रहेगा, डिस्क में ज़्यादा बेटर रहता है, आप लोग ईजिली वापस से इसको रिस्टोर कर सकते हैं, इसीलिए डिस्क में। अगर आप लोग URL में लेना चाहते हो URL में भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डिस्क में ले रहा हूँ। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे पाथ दे रहा है कहाँ पे ये बैकअप स्टोर होगा, यहाँ पे देखिए। अगर आप लोग ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप लोग दूसरा फाइल नेम यहाँ से आप लोग ऐड कर सकते हैं, आपको यहाँ से पाथ देना रहेगा, लोकेशन देना रहेगा। बट मैं जो बाय डिफ़ॉल्ट है उसी को मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये देखिए इसमें बैकअप हमारा है। तो यहाँ पे क्या करना है, फिर आपको ओके करना है। ये देखिए द बैकअप ऑफ डेटाबेस डेमो कम्प्लीटेड सक्सेसफुली, ये हमारा बैकअप हो गया। इस तरीके से आप लोग इजिली बैकअप ले सकते हैं।